दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में ग्रिड लाइन होती क्या है और यूज़ कहाँ होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमने यहाँ पर दो नाम लिख रखे हैं, एक पहला एक्सेल और सेकंड सेल में है ग्रिड लाइंस। अब लेकिन यहाँ पर देखिए हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सिवाय जो हमने लिखा है। अब यहाँ पर एक जो बॉर्डर होती है वो दिखाई देती है। देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पर कुछ क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रिड लाइन होती है वो हमें दिखाती है कि कितने कितने बॉक्स कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। तो वो एक्टिव कैसे करते हैं, यानी चालू कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक व्यू का टैब है, जहाँ होम टैब होता है उसी के सबसे लास्ट में व्यू का टैब होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रिड लाइंस, ये जो ऑप्शन है वो हमारा ऑफ है। तो हमें क्या करना है, इस पर सिंपली से क्लिक करना है। तो ये देखिए अभी हमें पूरे सेल दिख रहे हैं बराबर, जिसमें चारों तरफ लाइनें बनी हुई है। इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक्सेल में ग्रिड लाइंस अगर हाइड है तो आप उसे अनहाइड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।